तो बच्चियों को ये संस्कार दो। बहुत बुरा लगता है जब बेस्याओं की तरह शादी के दिन नाचती, बता दें दूल्हा दुल्हन दो ही नाचे, महिला संगीत का कार्यक्रम, 1.5 लाख का डीजे बजेगा, उसमें ऊंचा ऊंचा के नाच रही, बता हुंदरा रही, कितना गंदा दृश्य है। बता कोई तुम्हारा मित्र तुम्हारे पास आए, या उस दिन तुम्हारी पत्नी क्या बढ़िया नाची थी, क्या ठुमके मारे थे, उस दिन की वीडियो देखता हूँ तो मजा आ जाता है। सब लोग अपने अपने कैमरा चला रहे, और तुम्हारी दूल्हा दुल्हन तुम्हारे सामने, सास बहू के सासों के सामने, सारे ससुर हैं, नाना ससुर, दादा ससुर, आजी ससुर, सबके सामने हुंदरा रही, बता रही, लाज गवा दी बिल्कुल, और बड़े खुश हो रहे, हमारी बहू देख कितने बढ़िया नाच रही। सही बताया ना, कोई तो सड़क चलता ठेला वाला, तांगा वाला या बाजे वाले तुम्हारे घर आए, सेठ जी तुम्हारी बहू ने कहा नाचो तो बढ़ गया, बहुत मजा आ गया, सर ठुमका मारा, तुम्हें ऐसी गुस्सा आएगी गोली मारने की इच्छा होगी उसे। तो उस दिन क्या हो गया था, मैं तो अपने प्रतिज्ञा कराता हूँ बच्चियों को, हाथ खड़े करके प्रतिज्ञा करो, हम सीता बनेंगे बेस्या नहीं, हम नहीं नाचेंगे। और जो जो लड़का नचाना चाहेगा वो लड़का ही बेकार है, किस काम का लड़का, जो अपनी पत्नी की गरिमा की रक्षा नहीं कर सके, सड़क छाप लोगों के सामने, दारूखोर के सामने, तांगा वाले के सामने, किसी के सामने नचा रहा है, उसे इतनी अकल नहीं है, ऐसे लड़कों को तो दूर से ही निकाल देना चाहिए, नहीं करेंगे ऐसे लड़के शादी। शादी करना मजबूरी है, लेकिन आत्मकल्याण से ज्यादा मजबूरी नहीं है। हम अपनी संस्कृति नहीं बेच देंगे, आग नहीं लगा देंगे संस्कृति में।